चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi भारतीय बाजार में 108 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह संकेत खुद कंपनी के MD मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करके जरिए दिया है। हालांकि अभी फ़ोन के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कंपनी भारत में Xiaomi Mi 10 5G को लॉन्च करने वाली है और इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बता दें कि इस स्मार्टफोन को पिछले दिनों यूरोप में लॉन्च किया गया था। Xiaomi के MD मनु कुमार जैन द्वारा शेयर किए गए ट्विटर पोस्ट में इमोजी के जरिए 108 लिखा हुआ है। इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कंपनी 108 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन को भारत में लेकर आने वाली है। हालांकि इसके बारे में कंपनी ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। उम्मीद है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कंपनी भारत में लॉन्च किए जाने वाले स्मार्टफोन का नाम का खुलासा करेगी। Xiaomi Mi 10 5G स्मार्टफोन क्वाड कैमरे के साथ 31 मार्च को भारत में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस संकट के कारण लॉन्च को टाल दिया गया था। वहीं अब उम्मीद है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भारत में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल भारत में 3 मई को ख़त्म होने वाले लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में यूज़र्स को Xiaomi Mi 10 के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। यूरोप में लॉन्च किए गए Xiaomi Mi 10 की बात करें तो इसमें 6.47 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फ़ोन में पावर बैकअप के लिए 4780mAh की बैटरी दी गई है, जो 30 वॉट वायर और वायरलेस दोनों तरह की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें क्वाड रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मौजूद है, जो कि इसकी मुख्यतः खासियत है।